ये देखना है कि मनुष्य जो है उसमें दोनों प्रकार के संस्कार हैं, उसकी बुद्धि में डेमन बनने की भी क्षमता है और देव बनने की भी क्षमता है, दोनों। और 5 वर्ष बाद वो उद्भूत होता है। हमारे यहां शास्त्र में एक बात बताया कि 5 वर्ष तक बच्चा मां के भाग्य को भोगता है। 5 वर्ष तक बच्चा मां के भाग्य को भोगता है, अपने नहीं, अपने कर्म को नहीं भोगता। और उसके बाद में फिर 10 वर्ष तक बच्चा पिता के भाग्य को भोगता है। यदि 5 वर्ष का या 10 वर्ष के अंदर, 5 से 10 के अंदर बच्चे की कोई रोग हो गया या कोई कुछ हो गया या कोई दुख हो गया, कुछ भी हुआ, तो उसके अपने कर्म नहीं काम कर रहे हैं, ये पिता के पाप पुण्य का परिणाम हो रहा है। और 5 वर्ष से पहले यदि बच्चे ने दुख होगा, मृत्यु हुई या कुछ हुआ, रोग हुआ, ये वो माँ के भाग्य का भोग कर रहा है अपने। उसके अपने कर्म कब शुरू होते हैं? 15 के बाद, 16वें वर्ष से, 16वें वर्ष से। हाँ भाई, 15वें वर्ष से। ये इस विषय में बड़ा बड़ी सुंदर कथा है इसमें महाभारत में, जिसके कारण धर्मराज को श्राप मिला ऋषि द्वारा, और धर्मराज को आकर के इस मृत्युलोक में यानी जन्म लेना पड़ा। और ये महाभारत में बड़ी सुंदर कथा है, मांडव्य ऋषि की कथा है, उसमें वहां पर उन्होंने ये बात स्पष्ट कही है। पूछा कि जब हम कबूतर को छेद रहे थे तो हमारी क्या आयु थी? तो धर्मराज ने बताया कि इतनी आयु थी। और कहा, दुष्ट, तुम्हें इतना पता नहीं है मूर्ख कि वो आयु जो है वो व्यक्ति अपनी नहीं भोगता, उसका उत्तरदायित्व तो मां पर होता है, तो मां के भाग्य को भोगता है, बाद में पिता के भाग्य को भोगता है। बच्चा तो अपनी आयु भोगता है, 15 साल की आयु थी, तब वो अपने उसके कर्म आते हैं, फिर वो धर्म का भाग्य होता है। उससे पहले ने है हाँ, तो राजा भी एक प्रकार से पिता ही कहा जाता है ना, 5 प्रकार के पिता हैं, उसमें राजा भी एक पिता है। इसीलिए तो बाप ने कहा था कि मैं अपने समझ में कोई पाप नहीं किया, मेरा कोई पाप नहीं है, मैं जानता हूं। तो 5 पिता होते हैं, तो उसमें अब दूसरा कोई पापी तो है नहीं, न मैं पापी हूं, न तो इसका आचार्य पापी है 5 पिताओं में, अभी दूसरे 2 पिता है ही नहीं, तो तुम राजा हो, तुम पिता हो, तुम्हारे पाप से बच्चा मरा। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारत में एजुकेशन की प्रक्रिया ये रही है कि 5 से लेकर 10 वर्ष तक बच्चे के जीवन को देखना, निरीक्षण करना, समझना और उसको अनुशासित करना, और 16 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद, जब 16 वर्ष का बालक हो जाए तब उसे मित्र वत्र व्यवहार करना। 16 वर्ष से ऊपर के बच्चे को डांटना या कुछ कहना या पूछे तो सलाह दे दो, लेकिन उससे बाद में उसको कंट्रोल में रखने की वृत्ति जो है ये तो अनर्थकारी होती है। लेकिन यहां पर हमारे यहां पश्चिम से ऋषियों की फिलोसफी पढ़े लिखे माताओं ने और भाइयों ने अपना ली, और उन्होंने बच्चे को शुरू से सोचते हैं कि एनिमल है, अपने आप सीखेगा। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि मनुष्य एनिमल नहीं है, मनुष्य ह्यूमन इज ए बीइंग नॉट एनिमल, ह्यूमन इज ए बीइंग नॉट एनिमल। मनुष्य है, वो स्पेशल प्राणी है और वो परमात्मा की स्वीकृति है, सुंदर कृति है, सुक्तम एवा जैसा एक उपनिषद कहती है। तो वो जो है उसके लिए वो मननशील है, समझाना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि अपने आप सीखे तो सही में मनुष्यता की दृष्टि से दैवी गुणों को तो अपने आप कभी नहीं कलेक्ट कर सकता। हम पश्चिम में देख रहे हैं, अपने आप सीखने का परिणाम होता है। एक बार इस विषय में चर्चा कर रहा था पश्चिम में कि यदि भारतीय नियम के अनुसार एजुकेट किया जाए तो उससे क्या लाभ होता है,
और पश्चिम की विचारधारा के अनुसार एजुकेशन मिलने से क्या बनता है। तो मैंने उन लोगों को बताया, हम कहा कि भारतीय विचारधारा के एजुकेशन ने ऋषि दिए, ऋषि, और पश्चिम की विचारधारा के एजुकेशन ने हिप्पी दिए हैं। बाहर से देखने से हिप्पी और महात्मा एक ही से लगते हैं। तपस्वी और हिप्पी एक ही से लगते हैं, लेकिन उनके जीवन में कितना अंतर है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि मनुष्य मनुष्य है और उसकी निरुक्ति क्या है, मननात् मनुष्य मननशील है। मननशील होने के नाते वो सृष्टि की श्रेष्ठतम कृति है, उसमें प्रकृति का पूर्ण वैभव भिक्षित रूप में प्रतिष्ठित है, इसलिए उसके लिए अध्यात्म शब्द का प्रयोग होता है। और सृष्टि को तीन दृष्टियों से देखने की विधि समझाई गई है, अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म। अधिदैव जो है वो कॉजल फेनोमेना ऑफ दिस यूनिवर्स, वो अधिदैव है, और अद्भुत जो है वो उसका ग्रॉस फॉर्म है, और अध्यात्म दोनों का आंशिक और पूर्णाभिव्यक्ति, तत्वतः पूर्णाभिव्यक्ति स्वरूपतः आंशिक अभिव्यक्ति, उसको कहते हैं अंग्रेजी में मेन इज द माइक्रोकॉस्म, दिस द बॉर्डर ऑफ कॉस्मिक कॉस्मिक पावर और कॉस्मिक एंटिटी और कॉस्मिक एनर्जी, कुछ भी कहो, कॉस्मिक फॉर्म। परमात्मा का की जो विराट मूर्ति है, उस विराट मूर्ति की अनुकृति है मनुष्य, इसीलिए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड ले विवाद समझाई गई। तो मैं आप लोगों से बता रहा था मूल में कि परमात्मा के कोई नाम नहीं है, क्योंकि तत्वतः तो निरंजन है, लेकिन अंजन स्तिप्त होते ही उसके अनंत नाम और रूप की कल्पनाएं हो जाती है, अभिव्यक्ति हो जाती है। तो यहां पर जितने नाम दिए हैं, पर ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परम भगवान, एक श्लोक में बात समझाई गई कि जिस समय परमात्मा सृष्टोन्मुख होता है, प्रशांतावस्था में उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। जब वो सृष्टोन्मुख होता है तो उसकी संज्ञा होती है ब्रह्म, ऐसा समझाया गया। और जब सृष्टि की अभिव्यक्ति हो जाती है तब तो उसकी संज्ञा होती है परमात्मा। और जब वो किसी विभूति के रूप में स्वयं को प्रकट करता है तब तो उसकी संज्ञा होती है भगवान। और जब अंश रूप से किसी व्यष्टि रूप में स्वयं को प्रकट करता है तब उसकी संज्ञा होती है आत्मा। ये उसमें शब्द के अनुसार उसकी व्याख्या की गई है, और उसमें इस बात स्पष्ट की गई है कि प्रिय धातु है जो वर्धने अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसलिए ब्रह्म शब्द की व्याख्या दो प्रकार से की जाती है, बृहंती इति ब्रह्मा और बृहीयति इति ब्रह्मा। तो जहां पर बृहंती इति ब्रह्मा जो है ये महद ब्रह्म की व्याख्या है, और बृहीयति इति ब्रह्मा जो है ये अक्षर ब्रह्म की व्याख्या है। दोनों के अर्थ बदल जाते हैं, दोनों के यानी तत्व बदल जाते हैं। बृहंती इति ब्रह्म ये महद ब्रह्म की व्याख्या है, यहां महद ब्रह्म है वो विस्तार को प्राप्त होती है, महद ब्रह्म प्राप्त होती है, और बृहीयति जिसके द्वारा विस्तार होता है, जो विस्तार को प्राप्त करता है, कराता है, विस्तार को प्राप्त होता है और विस्तार को प्राप्त कराता, तो जो विस्तार को प्राप्त कराता है बृहीयति ब्रह्मा, वो भी ब्रह्म है। वो कौन सा ब्रह्म है? अक्षर ब्रह्म है। उसीलिए अक्षरम परम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म चुके आ जाते। और बृहंती ब्रह्म जो विस्तार को प्राप्त होता है वो ब्रह्म है। तो वहां पर कौन सा ब्रह्म है? ये महद ब्रह्म है। मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। इसलिए ये इसकी विपत्ति इस प्रकार से की जाती है। अब यहां पर जो मैं बता रहा था कि परब्रह्म
यहाँ पर ब्रह्म किसके द्वारा कहा गया है? तिलक तो बड़ा मोटा ताजा है मेरे यहाँ उनके सीधे तो पर ब्रह्म यहाँ पर ब्रह्म शब्द का संबोधन उस अक्षर ब्रह्म के लिए ही नहीं, उस महत ब्रह्म के लिए ही नहीं, पर ब्रह्म जो अक्षर और महत दोनों का मूल स्रोत है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्म और परम धाम परम प्रकाश स्वरूप कल बताया था, पवित्रम परम ज्ञान स्वरूप, परमम पवित्रम परमम भवान और आपसे परे और कुछ नहीं, पुरुषात्मा पर प्रागति और पुरुषम, पुरुषम की व्याख्या कर मैंने समझाई कि उस परमेश्वर को पुरुष शब्द से संबोधित करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरी राय से यथार्थ रूप से उसका अवबोधन इसी शब्द से होता है। यहाँ पुरुष शब्द जो है सही मत में कहते हैं सांब सदाशिव के लिए, सांब सदाशिव शिव पुराण में पर ब्रह्म का एक नाम है सांब सदाशिव, सांब सदाशिव का अर्थ होता है अंबा के सहित शिव, सांब अंबा के सहित यानी प्रकृति युक्त पुरुष, प्रकृति युक्त पुरुष का ही दूसरा नाम है पुरुषोत्तम। केवल प्रकृति क्षर है, केवल पुरुष अक्षर है और प्रकृति युक्त पुरुष को पुरुषोत्तम कहते हैं, ऐसा समझ। और ये यहां पर पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, परमात्मा से अधिक दिव्य और कौन हो सकता है, वहां कोई विकार नहीं, सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नित नियति निरूप ही वेद, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तस्य समस्या व्यधिकस्य दृश्यते, न उसका कोई कार्य है न तो करण है, कार्य माने शरीर और न करण माने इंद्रिया, परमात्मा का न शरीर है न इंद्रिया, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते और न तस्य समस्या व्यधिकस्य दृश्यते, तो उसके बराबर कोई नहीं है, तो उसके उससे अधिक कौन होने वाला है, ना उसे कोई बराबर दिखाई देता है ना तो उसे अधिक दिखाई देता है, पराशक्ति शक्ति रविधर्य सुनिए, उसकी पराशक्ति विविध रूपों वाली सुनी जाती है, कौन कौन सी स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया ये उसकी महिमा का, न कश्चित परिरष्टि लोके न चेष्टा नहीं तस्य लिंगम, उससे परे और कुछ नहीं है, उसका कोई येष्टा नहीं है और उसके कोई लिंग नहीं है, सकारणम करणाधिपाधिप न चास्य कश्चित जनितान चाधिप आदि शब्दों से श्रुतियां उस परम तत्व का अवबोधन कराती हैं, इसलिए दिव्यम और पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव, आदिदेव वो अनादिदेव है या आदिदेव है, क्या कहा जाए, अनादि देव और आदि देव में क्या अंतर है, अनादि शब्द का अर्थ होता है जिसकी आदि न हो और आदि देव का अर्थ होता है आदि देव जिसकी आदि है, तो एक बात जो मैं इसमें देखा क्या बोलते हैं नासदीय सूक्त में जिसमें ये बात बताई गई है और यहां नवे अध्याय में भगवान ने बताया है नामे विदु सुरगणा, इसी दसवें अध्याय नामे विदु सुरगणा प्रभो न महर्षय अहम आदिर देवाना महर्षिणा सर्वस्व, पहले बताया तो नासदीय सूक्त में यही प्रश्न उठाया गया है और वहां यही उत्तर दिया गया है कि ये देवता लोग भी तो उससे बाद में उसी से पैदा हुए हैं, ये उसके कारण स्वरूप को कैसे जान सकते, उसके आदि को कैसे जान सकते, देवता भी नहीं जान सकते तो मनुष्य की तो बात है क्या, इसलिए परमात्मा के आदि को कोई नहीं जान सकता, है तो वो अनादि, उसका आदि नहीं है अंत नहीं है, तो यदि आदि होगा तो अंत होगा, अनादि है तो अनंत है, यहां पर अर्जुन आदि देवम
जो कह रहा है परमात्मा को, भगवान को, उसका अभिप्राय यह नहीं है कि आप पैदा हुए हैं आपका नाश होगा, यहां आदि अंत का अभिप्राय नहीं है। यहां अभिप्राय है कि आदि अंत मध्य जो कुछ है वह सब आपसे ही है, आप ही हैं, आपके सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक विद्यता का प्रश्न है वो उसके आदि आप है। एको देवो सर्वभूते सूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो जो श्रुति कहती है एको देव, उसी को यहां पर आदिदेव, आप आदिदेव हैं। यथार्थ सृष्टि के प्रथम प्रकाशक आप हैं, दिव्य प्रकाशन है। सभी के परम प्रकाशक आप हैं, इसलिए आपके विषय में कुछ कहना जानना आपकी कृपा के सिवा अन्यत्र अन्य किसी साधन से संभव नहीं। भगवान ने स्वयं कहा कि मेरी कृपा के द्वारा ही भक्त मुझे जानता है। भक्त्या माम अभिजानाति आवानस्यास्मि तत्त्वतः। और उपनिषद में यही कहती यमे वैश्य ब्रणुते तेन लभ्य। रामायण में यही बताया गया स्वयं जाने ये देव जनाय। तो उपनिषद में, गीता में, रामायण में सर्वत्र आपको एक ही बात समझने को मिलेगी। इसलिए आदिदेवम और अजम विभुम, आप अज हैं और आप विभु हैं। अज हैं आप, अजन्मा है आप, आपका जन्म नहीं होता। परमात्मा का जन्म होता है कि नहीं, इस विषय में वेद में अलग अलग मंत्र है। अनेकों स्थानों पर परमात्मा को अजन्मा कहा गया है, लेकिन कई मंत्रों में परमात्मा के जन्म की भी बात समझाई गई बताई गई। जैसे प्रजापति चरति गर्भे अंतर अजायमानो बहुधा विजायते, एक मंत्र में बताया गया कि जनिष्यमान को जन्मा है और आगे जन्मेगा, जन्मने वाला भी वही है आगे जन्मेगा भी वही। तो आचार्य बल्लभ का एक कथन है बहुत ही प्रिय लगता है मुझे। वो कहते हैं समस्त विरोधी गुणों के आश्रय का नाम परमात्मा है। उनका एक वाक्य है समस्त विरोधी गुणों का जो आश्रय है वही परमात्मा है। जब ब्रह्म की बात हम करते हैं वो कहते हैं कि समस्त सद्गुणों का आश्रय ब्रह्म नहीं है, समस्त विरोधी गुणों का आश्रय ब्रह्म है। समस्त गुणों, समस्त सद्गुणों के आश्रय का नाम तो भगवान है। भगवान में समस्त दिव्य गुण आश्रय पाते हैं और ब्रह्म में समस्त विरोधी गुणों का परिधान है। और ये हम देखते हैं तो गीता के इस अनुशीलन से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जहां पर भगवान ये समझाते हैं चैव सात्विका भावारा सास्तां स्वास्थ्य मत्तेवेतान बुद्धि, तो समस्त विरोधी गुणों के आश्रय तो भगवान ही है ना। आप अपने जीवन में देखिए ना समस्त विरोधी गुण जो आपके जीवन में है किसके आश्रय थे? आपकी आत्मा के। आत्मा न हो तो क्रोध आएगा और आत्मा न हो तो प्रेम आएगा। क्रोध प्रेम तो आत्मा का गुण है और क्रोध किसका गुण है? यथार्थ न तो आत्मा गुण प्रेम है न क्रोध है। आत्मा को तो कोई गुण है, वो तो निर्गुण है। आत्मा के प्रकाश में ही प्रेम की उपस्थिति है और क्रोध की उपस्थिति है, राग की उपस्थिति है और त्याग की उपस्थिति है, भोग की उपस्थिति है, योग की उपस्थिति है। तो भोग योग राग त्याग ये प्रेम क्रोध ये सब कुछ जो विरोधी गुण हैं ये आपकी आत्मा के ही प्रकाश में तो है ना।
आत्मा के प्रकाश में जिस गुण की प्रधानता रही उसके विलास आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं। सतो गुण का विलास है प्रेम, रजोगुण का विलास है क्रोध, कामेश्वर क्रोधेश्वर जो शब्द। अब ये सतो गुण रजोगुण के विलास है, लेकिन ये दोनों गुण काम कब कर रहे हैं? जब आपकी आत्मा उपस्थित हो, और जब शरीर से आत्मा निकल जाए तो फिर तो कुछ नहीं होता, न क्रोध होता है न प्रेम होता है। तो जैसे आत्मा की उपस्थिति में ही ये पेयर्स ऑफ अपोजिट जिसे कहते हैं समस्त विरोधी गुणों का को आश्रय मिलता है, इसी रूप से परमात्मा की उपस्थिति में समस्त विरोधी तत्वों को आश्रय मिला हुआ है। भगवान शंकर की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही कुशलता के साथ इस तत्व का चिंतन किया, जिसमें उन्होंने स्वयं भूत सर्वाधिप सर्वदा यस्यांके च विभाति भूदर सुता देवापदा मस्तके भाले बाल विदुर गले गरलम यस्योदशिव्यालरा। वो कहते हैं दो दो प्रकार का अमृत होता है और दो प्रकार का विष। अमृत के दो रूप हैं चल और अचल, विष के दो रूप हैं चल और अचल। ये दोनों प्रकार का अमृत और दोनों प्रकार का विष उन्हीं के आश्रित में। ये स्यान के च विभाग भूधर सुता ये तो भोग का प्रतीक है, और स्वयं भूत विभूषण ये योग का प्रतीक है, और देवापगा मस्तके ये चल अमृत है, भाले बाल विदुर ये अचल अमृत है, और कंठे उरस व्याल रात ये चल विष है, और गले च गरलम ये अचल विष है। तो दो प्रकार के विष, दो प्रकार के अमृत, भोग और योग, त्याग और राग, ये सब इसके आश्रित है। यानी समस्त विरोधी गुणों का जो आश्रय स्वयं भूत विभूषण सर्वाधिप सर्वदा सर्वासर्वगत शिव शरण वहां पर प्रार्थना की। तो ये जो स्थिति है ये ब्रह्म की स्थिति है, समस्त विरोधी गुण वही आश्रय पाते हैं उसी के प्रकाश। यहां मैं आप लोगों को बता रहा था कि आदि देव अजम, वह अजन्मा भी है और वह नहीं जन्मता, वह जन्मता भी है, अजाय मानो बहुधा भी जाए, यदि वो नहीं जन्मता तो जन्मता कौन? इसीलिए शब्द शास्त्र के आचार्यों ने इतनी अच्छी बात, मैं कभी कभी शब्द शास्त्र का चिंतन करते करते सही में मुग्ध हो जाता हूं। और ये जो उनकी युक्ति है कि शब्द ब्रह्म का यदि बोध न हो तो परब्रह्म का यथार्थ बोध नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हमें सही और प्रत्यक्ष ऐसी अनुभव नहीं लगती। हमारे आचार्यों ने जन्म, जन्म का अर्थ क्या होता है? जन्म प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव माने क्या होता है? अव्यक्त की अभिव्यक्ति। जन्म माने क्या होता है? किसी नए वस्तु का निर्माण नहीं है जन्म माने, जन्म माने किसी नए वस्तु का निर्माण नहीं, जन्म माने है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव माने इसका एक और इसके लिए शब्द है बड़ा सुंदर, उत्पत्ति। उत्पत्ति माने उत, जो अंतर छिपा हुआ है वो ऊपर आ जाता है, इसको कहते हैं उत्पत्ति, ऊपर आना। यानी अव्यक्त का अभिव्यक्त होना, दार्शनिक भाषा में कहें तो अव्यक्ताधीन भूतानी व्यक्त मध्यान भाप्त अव्यक्त निधनान्य व तत्व का पर देवना। इसीलिए जन्म प्रादुर्भाव जिससे जन्म शब्द बनता है वह जन्म धातु है, इसी से जननी भी बनता है, इसे जनक भी बनता है, जननी जनक जनी जन्म ये सब एक ही धातु से बनते हैं, और उसका अर्थ होता है प्रादुर्भाव, जो अव्यक्त था अब अभिव्यक्त हो गया, जो अप्रगट था अब प्रगट हो गया। और इसीलिए
इसके लिए दूसरा शब्द क्या है, प्रलय। प्रलय माने प्रकृष्ट रूपेण लीयते। अब जो दिखाई दे रहा था वो, और उसके लिए दूसरा शब्द है नाश। नाश माने नशा दर्शनी। अब वो नहीं दिखाई देता तो जन प्रादुर्भाव है नशा दर्शनी। ये दो शब्द जो है इतने महत्व के हैं जिसे शुद्ध करते हैं सत्कार, इसको सत्कारवाद कहते हैं। सत्कारवाद की सिद्धि में ये हेतु होते हैं और ये बताते हैं दुनिया में कोई नई वस्तु न तो पैदा होती है और न तो किसी पदार्थ का तत्वतः अभाव होता है, केवल उत्पत्ति और विनाश। उत्पत्ति माने ऊपर आना और विनाश माने अदर्शित हो जाना, बस यही होता है, दृश्य और अदृश्य। इसके लिए सांख्य शास्त्र ने शब्द का प्रयोग किया आवृतिरूपावा। यहां जन्म जो है वो भी उसी का है और जन्म नहीं जो है वो भी उसी का है, इसलिए अजब व अजब कहा जाता है। अजब है परमात्मा। और ये जो यहां पर एक बात और मैं आपको बोलता, बहुत सूक्ष्म बात है, उसको ग्रहण करो। यदि परमात्मा का आविर्भाव होता है तो उसको हम अज कैसे, आविर्भाव नहीं होता है कैसे कर सकते हैं, इसको जरा समझो। आप शरीर के माध्यम से चेतन, चेतन का आविर्भाव हुआ, क्या सही में चेतन का आविर्भाव हुआ? क्या रहा है शरीर के माध्यम से जो चेतन आपको प्रतीत हो रहा है उसी का जन्म करते हो ना, तो जन्म किसका हुआ है? आत्मा का। दोनों का। फिर गीता का न जाके मृत्यु वा कदाचित न भूतो भूतवान हुए। तत्वता यदि देखा जाए तो उसका जन्म नहीं हुआ, अभिव्यक्ति तो हुई है लेकिन वो दृश्य रूप में नहीं है। दृश्य जगत तो प्रकृति का है, उस चेतन का नहीं। और प्रकृति का भी जो दृश्य है वह भी एक प्रकार से देखा जाए तो आविर्भाव नहीं है, केवल संघात है। इसीलिए उसके लिए विकार शब्द का प्रयोग होता है, जिसको मैं विवर्त करता हूं। देखिए कितना सुंदर उसका विश्लेषण है भी और नहीं भी है। ये मकान बना हुआ है, इसमें परमाणुओं का संघात तो है लेकिन परमाणु स्वयं में किसी विकार को प्राप्त नहीं हुआ है। क्या तुम्हें परमाणु जो संघात दिखाई दे रहा है ये परमाणुओं की अभिव्यक्ति तो है लेकिन परमाणुओं में मूलतः कोई विकार नहीं है। इसलिए वो जन्मा हुआ भी अजन्मा है और अजन्मा हुआ भी जन्मा है, जन्मा हुआ भी अजन्मा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, वो जैसा था वैसे है और जैसा था वैसे रहते हुए भी संघात रूप में वो जन्मा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें पूछा जाए कि मूलतः क्या है, जन्मा है या अजन्मा है, तो श्रुति ने एक शब्द में कह दिया कि देखिए अब ये देखने की दृष्टि है, तत्वतः जन्मा है और नामतः रूपतः वो जन्मा है, इसलिए द्वेव और ब्रह्मणे रूपे, ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैव अमूर्तम। उस परमात्मा की ये दोनों रूप है, मूर्त भी अमूर्त भी। इसे ये नहीं कह सकते कि वो मूर्तम क्या अमूर्तम क्या, मूर्त भी वही है अमूर्त भी वही। इसलिए यहां पर ये आया कि प्रजापति चरत गर्भे अंतर अजाय मानो बहुधा विजायते, तो
अजन्मा भी वही है और भोक्त रूपों में जन्म लेने वाला भी वही। तत्व का वो जन्मा नहीं लेकिन स्वरूप तो हम देख रहे हैं या जान रहे हैं, इसलिए अजम वो जन्म लेते हुए भी अज है।